बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जारिना ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आप सभी को देखिए, आज हम करेंगे मिलके सॉल्व गणित विषय की वर्कशीट, जो कि हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश का गृह कार्य है। कक्षा रहेगी बच्चों हमारी तीसरी। दिनांक है 29 अप्रैल 2021। वार है हमारा वीरवार, ठीक है। गतिविधि देखिए, पहली, नीचे दिए गए प्रत्येक बर्तन को भरने के लिए कितने कप की आवश्यकता होगी। तो बच्चों देखिए, यहाँ बर्तन दिए गए हैं और आपको कपों की संख्या लिखनी है कि एक बोतल भरने में हमें कितने कप चाहिए होंगे। तो देखिए बच्चों, अगर आप सभी के घर में बोतल, मग, गिलास, जग, फ्राइंग पैन, ये बर्तन है, तो आप इनमें कप से पानी डालकर देखिए, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये बर्तन भरने में हमें कितने कपों की संख्या चाहिए होगी। जैसे कि मैं यहाँ मेरे अनुमान से लिखती हूँ, एक बोतल में चाहिए होंगे 4 कप, मग में चाहिए होंगे 6 कप, गिलास में चाहिए होंगे 3 कप, जग में चाहिए होंगे 5 कप, फ्राइंग पैन में चाहिए होंगे 2 कप, ठीक है बच्चों। अगला देखिए बच्चों, गतिविधि, नीचे दिए हुए प्रत्येक बर्तन को भरने के लिए कितने मग पानी की आवश्यकता होगी। बच्चों पहले हमने कप देखे थे, अब हम क्या देखेंगे, मग। मग बड़ा होता है, कप छोटा होता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ भी हमें वही करना है। अगर आपके घर में ये बर्तन भी हैं, टब, पानी का जग, जग, बाल्टी, कुकर, तो इनमें अब आपको कप से नहीं, अब आपको मग से नापना है कि कितने मगों की यहाँ संख्या आएगी, कितने मगों से ये भरेगा। जैसे टब, टब में जैसे मैंने करा 12, पानी का जग 8, जग 2, बाल्टी 7, कुकर 3, ठीक है बच्चों। तो आप सभी अपने घर में जो बर्तन हैं उनको इन मग से पानी डाल करके और देखिए और यहाँ संख्या लिखिए। अगला देखिए बच्चों, रचनात्मक गतिविधि, खाद्य रंग पीला। पीला रंग बच्चों आप सभी को पता है, पीला रंग हमारा कौन सा होता है, पीला रंग हमारा ये ही होता है पीला रंग, ठीक है। जो हमारा नींबू का रंग होता है, ठीक है, आम का रंग होता है, ये हमारा पीला रंग होता है। पीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएँ। बच्चों आप सभी को यहाँ बोला गया है कि पीले रंग का जो खाद्य पदार्थ होता है वो आपको खाना है, उदाहरण के लिए केला, आम, तरबूज, पीली दाल आदि। पेय पदार्थ, शिकंजी या नींबू पानी। परिवार के साथ समय, खेल, टिक टैक टो, चिड़िया उड़, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको अपने जो ये गतिविधि ये पूरी करनी है। गतिविधि आखिरी देखिए बच्चों, पौधों को पानी देना। बच्चों आप सभी के घर के बाहर पेड़ पौधे ज़रूर होंगे, घर के अंदर भी होंगे, तो बच्चों आप सभी को जो आपके घर में पौधे हैं उन्हें रोज़ पानी देना है, क्योंकि बच्चों हम उन्हें पानी नहीं देंगे तो पेड़ हमारे मर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें पेड़ों को जीवित रखने के लिए उनकी भी देखभाल करनी ज़रूरी होती है, उन्हें हमें पानी देना होगा ताकि वो जीवित रह सके। जीवित रहेंगे तो बच्चों उनसे हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी, ऑक्सीजन मिल पाएगी तो बच्चों जो हमारा वातावरण है वो थोड़ा शुद्ध होगा, शुद्ध होगा तो बच्चों हम शुद्ध ही सांस ले पाएंगे और हमें कोई बीमारी का खतरा नहीं होगा। इसलिए बच्चों आप सभी को पेड़ पौधों का बहुत विशेष कर ध्यान रखना है, पेड़ पौधों की देख रेख करनी है, उनमें पानी देना है और हो सके तो बच्चों आप सभी को एक पौधा लगाना है, ठीक है बच्चों। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी जो वर्कशीट है उसे सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। बच्चों अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। धन्यवाद बच्चों।